हाँ सुबह हो गई। मैंने एक अजीब सा सपना देखा जिसमें मेरे सर पे पड़ा बहुत तेज, जिससे मुझे दिन में तारे दिख गए। फिलहाल जो भी हो, क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे हमारे टीवी में टेलीस्कोप चल रहा है। एक सेकेंड, क्या टेलीस्कोप में हम दिन में तारे देख सकते हैं? जरा छत पे जाके देख लेता हूँ ये टेलीस्कोप कहाँ पर है। अरे ये टेलीस्कोप तो मेरे ही छत पर है, ये किसका है पता नहीं। क्या चल रहा है इसमें? इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं एक्सपोजर कम करता हूँ। अरे ये देखिए, एक स्टार हमें दिख रहा है दिन के वक्त। हेलो एस्ट्रो प्राणी, आप सभी ने सुना होगा जब किसी के सर पे पड़ती है तो उसे दिन में तारे देखने लगते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं इस कहावत को सच करने वाला हूँ। नहीं, मैं अपने सर पे नहीं मारूंगा, बल्कि मैं आपको टेलीस्कोप से दिखाऊंगा क्या दिन में तारे दिखते हैं। मैं आपको दिन में सिर्फ तारे ही नहीं दिखाऊंगा, बल्कि प्लैनेट्स भी दिखाऊंगा और डीप स्पेस भी दिखाऊंगा, वो भी बिना आपके सर पे मारे। आइए देखते हैं कि हमें दिखेगा या नहीं। ओके, तो आज हमारी कैप्चरिंग कंप्लीट हो गई है और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि मैं दो रातों से लगातार सोया नहीं हूँ। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना टेलीस्कोप को एक स्टार की तरह पॉइंट रखा जाए, इससे देखा जाए क्या वो दिन में दिखेगा या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सूरज कॉपी ऊपर आ चुका है, यानी राइज हो चुका है। और आसमान की तरफ देखे तो आप एक भी स्टार नहीं देख सकते, मैं अपनी आंखों से भी नहीं देख सकता। वैसे यहाँ पर कितने सारे फाइटर जेट्स गुजर रहे हैं, कितना अच्छा निशान बना रखा है। फिलहाल जो भी हो, मैंने अपने टेलीस्कोप को एक स्टार की तरफ पॉइंट कर रखा है जिसका नाम है वेगा, जो कि काफी ब्राइट स्टार है। यह स्टार हमारे सन से दुगना बड़ा है और करीब भी है। आइए देखते हैं क्या यह स्टार दिन के वक्त हमारे टेलीस्कोप से दिखेगा। तो इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ वाइट हो गया है। तो मैं एक्सपोजर कम करके देखता हूँ। ओह ये देखिए, हमें स्टार दिख रहा है। वाओ, मुझे लगा था मुझे एक्सपोजर बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन ये तो हमें उल्टा करना पड़ रहा है। यानी मैं सच में कह सकता हूँ कि मुझे दिन में तारे दिख रहे हैं, सच में दिख रहे हैं, वो भी बिना अपने सर पे मारे, और मैंने आपको भी तारे दिखा दिए। यह कहना काफी अजीब है, शायद मैं पहला इंसान हूँ जो ऐसा कह रहा हूँ। और भाई क्या चल रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं ले रहा हूँ। भाग जाए यहाँ से, वरना दिन में तारे दिखा दूंगा। अच्छा अच्छा, तू मुझे दिन में तारे दिखाएगा? हाँ। ये ले। हाँ, छोड़ दो। अब बता, कौन तारे देख रहा है? फिर भी आपने दोस्तों को ऐसा ना बोले, अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ओके, तो मैंने आपको दिन में तारे दिखा दिए हैं, अभी मैं आपको प्लैनेट्स भी दिखाऊंगा और डी स्पेस ऑब्जेक्ट भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, इस वक्त दिन हो रहा है, यानी अभी अभी सूरज उगा है और दिन के 8 बज रहे हैं, क्यों ना मैं आपको ये सब दोपहर के वक्त दिखाऊं, क्योंकि ये फिर और भी चैलेंजिंग हो जाएगा और मुझे चैलेंज लेना पसंद है। इसलिए मैं सब कुछ पैक कर लेता हूं और चलता हूं। मैं दोपहर को फिर आऊंगा। मैंने टेलीस्कोप को कवर कर दिया है और ऑप्टिकल ट्यूब यहाँ पर रख दिया है। अब मैं दरवाजा बंद करके यहाँ से चलता हूँ। मेरा मन नहीं करा टेलीस्कोप को छोड़ के जाने का, एक बार देखूं तो ठीक है, छोड़ के तो जाना पड़ेगा, तो मैं चलता हूँ। गर्मी से तो मुझे चक्कर ही आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि एक अंडा भी उबल जाए, और मैं पागलों की तरह बीचों बीच पूरी छत पर अकेला हूँ। हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा टेलीस्कोप है और मैंने इसे सेटअप कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी इसे सेटअप करने में, क्योंकि इतनी धूप में ये करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मैंने लैपटॉप को कवर कर रखा है, वरना इतनी गर्मी से यह चलने वाला नहीं है। और बात करें टेलीस्कोप की, उसे तो मैं छूने की सोच भी नहीं सकता, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। फिलहाल जो भी हो, अब वक्त है टेलीस्कोप को स्टार्ट करने का और देखने का कि हमें दिन में कुछ दिखेगा या नहीं।
लेकिन मैं टेलीस्कोप को यहाँ बैठकर ऑपरेट नहीं करने वाला, वरना मैं भून जाऊंगा। इसलिए मैं नीचे आ गया हूँ और अब मैं यहाँ से टेलीस्कोप को ऑपरेट करूंगा। ओके, तो मैंने सॉफ्टवेयर सेटअप कंप्लीट कर लिया है और सब कुछ तैयार है। एक बार फाइनल चेक करते हैं, देखते हैं टेलीस्कोप काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए, ये मूव हो रहा है। ओके, यानी सब कुछ ठीक है। वी आर गो फॉर लॉन्च। तुम्हारा पहला टारगेट होगा वीनस। तो यहाँ पर है वीनस। आइए टेलीस्कोप को घुमाते हैं। तो हम आ गए हैं वीनस के आसपास। इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, लगता है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम आसपास ही हैं। हमारा टेलीस्कोप परफेक्टली पोलर अलाइंड है, लेकिन उसे एक बार सिंक करना पड़ता है। अगर एक बार वीनस मिल गया तो समझ लीजिए मैं आपको सब कुछ दिखा सकता हूँ। तो मैं उसे ज़रा ढूंढ लेता हूँ, हमें ढूंढने में थोड़ा वक्त लगने वाला है। ओके, तो एक खुशखबरी है, हमें वीनस मिल गया और वो बहुत ही कमाल का लग रहा है। आइए देखते हैं। ये देखिए वीनस, दिन में वीनस दिख रहा है। इस वक्त दोपहर हो रही है और हम वीनस को देख पा रहे हैं। आमतौर पर वीनस हमें सुबह या इवनिंग को दिखता है, लेकिन मैं आपको वीनस दोपहर में दिखा रहा हूँ। मैंने सेटिंग्स में कुछ छेड़खानी करी और फिर वीनस और भी बेहतर दिखने लगा। ये देखिए, हम एक्चुअल इसका पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, उसके क्लाउड्स भी देख पा रहे हैं। वैसे ये प्लैनेट पूरी तरह से क्लाउड से कवर हो रखा है और मैंने वीनस को इतना बेहतरीन आज तक नहीं देखा। ये सबसे बेस्ट व्यू है वीनस का जो मेरे टेलीस्कोप से देख रहा है, इसलिए मैं इसे कैप्चर कर लेता हूँ और इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, आप वो वीडियो देखना मत भूलना। मैंने वीनस के बारे में बहुत कुछ बताया है और फिर प्रोसेस करके वीनस की फाइनल इमेज भी दिखाई है, जो कि मेरी अब तक की सबसे बेस्ट इमेज है वीनस की। तो वो वीडियो चेक करना मत भूलना। फिलहाल जो भी हो, हमने वीनस को देख लिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और मुझे याद आया आसमान में मार्स भी है, तो मैंने अपना टेलीस्कोप मार्स की तरफ घुमाया और हमें मार्स दिख रहा है। ये देखिए, ये रहा मार्स। ये हमें ज़्यादा बेहतर तो नहीं दिख रहा है, पर ठीक है, बस दिख गया, इतना काफ़ी है। वैसे मैं मार्स को पहले ही कैप्चर कर चुका हूँ, उसके ऊपर पूरी वीडियो भी बना रखी है। मैंने बहुत ही कमाल की इमेज निकाल रखी है मार्स की, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। ओके, तो मार्स देखने के बाद आसमान में वैसे सैटर्न भी है। मैं सैटर्न देखना चाहता था, लेकिन वो सन के थोड़ा करीब है, तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता, वरना हमारा टेलीस्कोप पिघल जाएगा या कैमरा पिघल जाएगा। अगर आपको सैटर्न देखना ही है तो मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है सैटर्न के ऊपर, बहुत ही कमाल की इमेज ली है, वो वीडियो भी चेक करना मत भूलना। फिलहाल जो भी हो, प्लैनेट्स तो हो गए हैं, अब वक्त है स्टार देखने का। तो मैंने काफ़ी सर्च करा, सबसे बेहतरीन जो स्टार हमारे आसमान में है वो है पोलर स्टार। ये स्टार काफ़ी ब्राइट है और सन से 10 गुना ज़्यादा बड़ा भी है, तो आइए ट्राई करते हैं। तो इस वक्त पोलर स्टार यहाँ पर है और ये देखिए, क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा फेड दिख रहा है, लेकिन दिख तो गया। यानी कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखते हैं, आप तारों को किसी भी टाइम देख सकते हैं, बस आपके पास होना चाहिए टेलीस्कोप। फिलहाल जो भी हो, प्लैनेट और स्टार्स हमने देख लिए हैं, अब वक्त है डीप स्काई ऑब्जेक्ट का। तो मैं चुनता हूँ ओराइन नेबुला को, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, सबसे ब्राइट नेबुला में से एक है, तो शायद हम इसे देख सकते हैं। ओके, तो मैंने अपने टेलीस्कोप को पॉइंट कर रखा है ओराइन की तरफ। मैं ढूंढने की बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता हम उसे देख पाएंगे, क्योंकि डीप स्काई को देखने के लिए हमें एक्सपोजर बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन हम दिन के वक्त हैं तो यहाँ पर हमें एक्सपोजर घटाने पड़ रहे हैं। तो कह सकते हैं चीज़ें तालमेल नहीं खा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। शायद ये पॉसिबल हो, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप चाहिए, और मेरा टेलीस्कोप शायद इतना बड़ा नहीं है कि ये काम कर सके। और हाँ, टेलीस्कोप से भी ज़रूरी, हमारे पास सही कैमरा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊँगा। तो यहाँ पर मैं हार मानता हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैंने आपको स्टार और प्लैनेट्स दिखाए, वो भी दिन के टाइम। आपने शायद ऐसा कुछ पहली बार ही देखा होगा, तो इसी बात पे सब्सक्राइब तो बनता है भाई। अरे रुकिए रुकिए, अभी वीडियो का अंत नहीं हुआ है। और हाँ, जाते जाते मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करा है, जहाँ पर मैं ऐसे फोटोज और अपडेट पोस्ट करता हूँ जिन्हें मैं यूट्यूब पे नहीं कर सकता, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप ज्वाइन कर लेना।
फिलहाल जो भी हो आज के लिए इतना बहुत है। जिन्होंने भी हमें सपोर्ट करा है बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमें सपोर्ट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।